तो इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो बिहार में तेजस्वी की बल्ले बल्ले होने वाली है, मगर इसके साथ ही आपको इसी एग्जिट पोल के हिसाब से हम ये भी दिखाते हैं कि किस दल को कितनी फीसदी वोट मिल सकते हैं। की बार बिहार में तेजस्वी की सरकार, कम से कम इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल तो यही कहता है कि बिहार में लालू के लाल ने कर दिया कमाल। आपको सबसे पहले दिखाते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार की जनता किसे कितने फीसदी वोट दे सकती है। एनडीए को 39% वोट मिल सकता है, महागठबंधन को सबसे ज्यादा 44% वोट मिल सकते हैं, एलजेपी को 7% वोट मिल सकता है, जीडीएसएफ को 4% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 3-5% वोट जा सकते हैं। 25% वोटर बिहार के अंदर 18-30 साल के अंदर है, और उसके अंदर अगर बेरोजगारी देखें तो 33% बेरोजगारी है। ये बबुआ हमारा जो है, तेजस्वी को बबुआ मान लेना, अपनी हम उम्र का मान लेना, उनकी भाषा बोलता है, उनकी तरह पहनता है, कोई उसमें दिखावा नहीं है। तेजस्वी का ये रहा कि बहनों के साथ लगता कि भाई है हमारा आ गया, माओं के साथ लगता कि हमारा बेटा आ गया है, उसका बाप जेल के अंदर है। वो भी सिम्पथी भी हो सकती है, एक तरह से नेगेटिव सिम्पथी भी होती है कई बार। 2012-15 के अंदर लालू अगर नीतीश के साथ नहीं होते, शायद नीतीश का तब भी नहीं जीते। मैंने शुरू में कहा कि नीतीश अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने नहीं एक बार भी, तो 2020 में उन्होंने दिखा दिया कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी भी, मेरा बेटा जो है वो भी आपको चित कर सकता है। वोट शेयर तो यही बता रहे हैं कि बिहार में आरजेडी का शेयर इतना बढ़ने वाला है कि तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दे। अब सवाल ये है कि एनडीए से ज्यादा वोट प्रतिशत पाने वाले महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट कहां से मिले, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से। तो आपको दिखाते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनता ने एग्जिट पोल के हिसाब से किस पर अपना भरोसा जताया है। एनडीए को ग्रामीण क्षेत्र में 39%, जबकि शहरी क्षेत्र में 42% वोट मिल सकते हैं। महागठबंधन को ग्रामीण क्षेत्र से 44% और शहरी क्षेत्र से 46% वोट मिल सकते हैं। एलजेपी को ग्रामीण क्षेत्र में 7% वोट मिल सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 5% वोट मिलने की उम्मीद है। जीडीएसएफ को ग्रामीण क्षेत्र में 4%, जबकि शहरी क्षेत्र में 2% वोट मिल सकते हैं। बात अगर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए की हो तो पीडीए को ग्रामीण क्षेत्र में 1%, जबकि शहरी क्षेत्र में भी 1% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 5% ग्रामीण वोट, जबकि 4% शहरी वोट जा सकते हैं। एग्जिट पोल के मतदान का शेयर देखें तो मालूम चलता है कि महागठबंधन पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने भरोसा जताया है। बिहार की राजनीति में यादव मुस्लिम गठजोड़ का खासा तालमेल दिखता है, लिहाजा आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़ा यादव मुस्लिम और सामान्य वर्ग के मतदाताओं के मत का शेयर है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यादवों का 10% वोट, मुस्लिमों का 9% वोट, जबकि सामान्य वर्ग का 60% वोट मिल सकता है। महागठबंधन को यादवों का 83% वोट, मुस्लिमों का 79% वोट, जबकि सामान्य वर्ग का 19% वोट मिल सकता है। एलजेपी के हिस्से यादव और मुस्लिम के 1% वोट, जबकि सामान्य वर्ग के 11% वोट जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि महागठबंधन वोट शेयर के मामले में भी अलग अलग मोर्चों पर एनडीए से आगे जाता दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे हैं, असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, मगर एग्जिट पोल एनडीए की धुकधुकी बढ़ाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। देखिए, प्रथम दो फेज आपके माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि प्रथम दो फेज ने ही हमें बहुमत के करीब ला दिया था। आज 78 सीटों पे चुनाव था, बावजूद तमाम बहकावे उकसावे के मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों ने
अपने मुद्दे, अपने दिल से जुड़े मुद्दे, नौकरी का मुद्दा हो, संविदा का मुद्दा हो, समान काम समान वेतन हो, जीविका दीदी हो, या मैं समझता हूं कि ओवरऑल शिक्षा, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई का मसला हो, बिहार अपने मुद्दों से टिका नहीं। बिहार ने देश को एक दिशा दे दी है और यकीन मानिए एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। 10 नवंबर को एक युवा जोशीले सरकार का गठन होगा और मुद्दों पे उसी दिन से काम करना शुरू। कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है। एग्जिट पोल्स में जो होता है वो जो जिनको मध्यम दर्जे के लोग हैं और अमीर हैं उनके द्वारा ज्यादा नतीजे आते हैं, जो गरीब की झोपड़ियों के वोट हैं वह एग्जिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है। और यह जो 40% हमारे गरीब जो हैं वह पूरे के पूरे तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ है। सरकार पूर्ण बहुमत 2/3 के बहुमत से बन रही है।